हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो ये जो एग्ज़ाम पेपर है, ये आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लिया गया था, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट का है, तो कॉमर्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आपका नेट का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी का हो, कॉमर्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, वही नेट में आता है, वही आपका जो है उसी लेवल का आपका एचटेट में आता है, उसी लेवल का आपका एचपीएससी में आता है, क्योंकि सभी में ये मेंशन होता है कि जो आपके पेपर क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक का रहेगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है जो कि पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि एमडीयू में लिया गया था, क्योंकि पिछली जो सीट्स आई थी उन पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं मेंशन किया गया था, तो ये उससे पहले का है जो कि आपको ऑफलाइन जो एग्ज़ाम लिया गया था। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, विच ऑफ़ दीज शुड बी मोस्ट वैल्यूएबल टू शो ए ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ जो बिहेव में चेंज होता है उसके लिए कौन सी स्टडी जो है इम्पोर्टेंट होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इस स्टडी में हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक, यानी कि ये नहीं देखते कि एकदम से किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आया है, जी नहीं, इसमें हम लगातार देखते रहते हैं कि भाई इस सिचुएशन में क्या चेंज आया, इस सिचुएशन में क्या चेंज आया, लगातार जो स्टडी की जाती है लंबे टाइम पीरियड तक, उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द कंट्रोलर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद। तो कंट्रोलर फंक्शन कौन सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, एनालिसिस वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किया जाता है किस लिए, कि जो हमारी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, उसके बीच में जो भी वेरिएंस है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कंट्रोलर फंक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें से नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, किसी में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपका, फाइनेंशियल में से आ सकता है, मार्केटिंग में से आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि एचपीएससी का तो कोई सिलेबस क्राइटेरिया होता ही नहीं है, और अदर्स जो एग्ज़ाम होते हैं आपके डीएसएसबी के, एनवीएस के, केवीएस का, उनका थोड़ा सा लेवल के कंपैरिजन में लो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एचपीएससी का जो बोर्ड है वो हाई होता जा रहा है, स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। विच प्रपोजल सेक्शन इज इंटेंडेड टू डिस्क्राइब द पर्पस विद ए फुल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं अपना जो रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसको। उसके बाद है विच इज़ हिडन सेल्फ इन द जौहरी विंडो। तो इसका क्या आंसर आएगा, जौहरी खिड़की में कौन सा छिपा हुआ है? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पब्लिक एरिया। Why is it important for a researcher to review the literature? कि कौन सा important है review of literature, एक शोधकर्ता के लिए साहित्य की समीक्षा करना क्यों ज़रूरी है, review of literature क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट विल फाइंड इफ़ एनी वन हैज़ डन द वर्क बिफोर। क्योंकि सभी क्या पता करना चाहते हैं कि अगर जो मान लो मैं काम कर रहा हूँ, कहीं उस पर काम पहले ही हो चुका है या नहीं हो चुका है, अगर हो चुका है तो कितना हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या रेफरेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स ड्यूल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल। क्योंकि जो मैट्रिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या करता है, दो लाइनें बनाता है, एक हमारी किसके लिए, फंक्शनल के लिए, और एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
द साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशेंट आर ऑलवेज द सेम। बिल्कुल सही बात है, जो रिग्रेशन कोफिशेंट होते हैं उनके दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ए पॉसिबल ऑब्स्टकल टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल ऑफ लीस्ट प्रॉफिटेबल इंटरप्राइजेस। क्योंकि यही एक क्या है इसकी बैरियर है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। उसके बाद है 9th, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेसेस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखो इंटरनेशनल होता है वो भी हमारा एक्सटर्नल होता है, इकोनॉमिक्स होता है वो भी हमारा एक्सटर्नल होता है, डेमोग्राफिकल होता है वो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो 9th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कौन सा इनमें से इंटरनल इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मनी एंड कैपिटल मार्केट कैपेबिलिटी। आंसर क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनी एंड कैपिटल मार्केट कैपेबिलिटी। ये जो है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, हमारा एक्सटर्नल का पार्ट है। बाकी जो आपके मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारे हमारे किसके पार्ट है, इंटरनल के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि कौन से रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखो रिस्क असेसमेंट भी होता है, रिस्क रैंकिंग भी होता है, रिस्क कंट्रोल भी होता है, ये तीनों ही किसके कंपोनेंट हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 कैन बी मेड विद इन ए पीरियड 4-ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज फिल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इट्सेल्फ, तो किस मामले में पिछले वर्ष की आय पिछले वर्ष में ही आंकलन करने योग्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो इंडिया को छोड़ रहे हैं तो उनकी क्या है इनकम, वहीं पर उसी टाइम क्या कर ली जाती है, अर्न मान ली जाती है और उस पर वहीं पर टैक्स ले लिया जाता है। तो देखो किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी हो चुकी है चेंज। उसके बाद है आपका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर इज ए अल्फा न्यूमेरिकल नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है 10 आपका, जिसको आप 10 बोलते हो, उस वो कितने अल्फाबेटिक में यूज़ होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 डिजिट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डैश प्रोविडेंट फंड कैन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर एग्जेम्प्टेड होता है क्या आपका 12% ऑफ सैलरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मैनी पीपल वांट BMW, बहुत सारे पीपल क्या चाहते हैं BMW, ओनली ए फ्यू एबल टू बाई, लेकिन कुछ ही उसको खरीदने के लिए क्या होते हैं, एबल होते हैं, तो ये एग्जांपल हमारा किसका है, ये एग्जांपल है हमारा डिमांड का, ठीक है, कि हमें नीड भी है और उसके लिए हम क्या हैं, एबल भी हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, फाइनेंसिंग ए लॉन्ग लाइव एसेट्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वुड बी। तो जब हम फाइनेंस करते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे करते हैं, शॉर्ट टर्म से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स फाइनेंसिंग, यानी कि 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है और हम तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट भी है तो भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू, तो जो मार्केटिंग की जो टर्म्स है वो क्या रेफर करती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। क्यों, मार्केटिंग में अब हम किस चीज़ को देखते हैं कि कस्टमर को जो वैल्यू चाहिए वो हम दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:5, दे एग्री टू एडमिटेड, सी एंटर करता है, उसको 1/6 पार्ट दिया जाता है प्रॉफिट का, जिसमें से 1/24 देता है ए एंड 1/8 देता है बी। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो इसको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1/6 का क्या निकाल लेंगे, 1/24, और उसके बाद 1/6 का 1/8 निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर इसको 1/6 में से माइनस कर देंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको किस में से माइनस कर देंगे, हम जो ये वैल्यू बच गई उसमें से हम क्या कर देंगे, सॉरी देखो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं और भी इजीली निकल जाएगा ये आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सेम करना होगा, सेम करने का मतलब है नीचे वाला पार्ट क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो 1/24 है, इसको हम क्या कर लेंगे, 3/24, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले को सेम अगर वैल्यू से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, 1/24 3/24, इट मीन्स जो ये वैल्यू है इसका हमें क्या देना है, 1/6 देना है, और उनमें से ये किस रेशो में देंगे, 1/3 की रेशो में देंगे, ठीक है। तो 7 इस रेशो को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इन दोनों को हमने 2 से मल्टी, ये 14 हो गया, ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो 24 इसका टोटल आ गया और 24 ही हमने ये लिया है, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारा, इसका 1/6 कितना आएगा, 24 का 1/6 कितना होता है, 4 होता है। तो इट मीन्स 4 में से 1 रुपया कौन देगा, ए देगा, और 3 कौन देगा, बी देगा। तो इसमें से 1 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा, और इसमें से 3 रुपये निकल जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7, और सी को कितना देना है, 4। इट मीन्स जो रेशो निकल के आ गई वो हमारी क्या निकल के आएगी, 13, 7 और 4। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो इसी ट्रिक का यूज करते हुए आगे हम क्वेश्चन निकालेंगे, बहुत ही ईजीली आपसे ये आंसर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C21। उसके बाद है ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। तो फर्म का जो डिसोल्यूशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो सबसे लास्ट में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, अपना कैश अकाउंट बनाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलता है कि कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, गुड्स वर्थ रेट 7,000 वर गिवन अवे एज ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। तो देखो अगर चैरिटी के रूप में अगर कोई भी गुड्स दी जाती है, चैरिटी दी जाती है, डोनेशन दिया जाता है, या
कोई भी हमारे क्या हो जाते, लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो उस केस में हम क्रेडिट हमेशा क्या करते हैं, परचेज अकाउंट करते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि हमें क्या रटा हुआ है कि परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन इस सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। डोनेशन के केस में, चैरिटी के केस में लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, जो भी अब नॉर्मल लॉस है उन केस में क्या होगा, अगर डिस्ट्रॉय क्या हुआ है, हमारा गुड्स हुआ है तो वो हमेशा परचेज अकाउंट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडिड, तो इनमें से कौन सा जब हम कैश फ्लो निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, तो किसको ऐड किया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद है हमारा, सॉरी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, थ्री कॉइन्स आर टोस्ट 200 टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम टू हेड्स कम अप इज 72, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप टू, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारी टू हेड आने की, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसको जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 72 है, और कितने में से, जब थ्री कॉइन को टू ट्वाइस किया जा रहा है तो 200 में से, तो 8, 9 और 25, यानी कि 9/25 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, मेन लिमिटेशन कौन सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो तीनों की तीनों हैं वो लिमिटेशन ही दी हुई हैं कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, तो तीनों ही तीनों किसकी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। उसके बाद है 28 क्वेश्चन, अर्निंग बेस्ड कंपनी वैल्यूएशन डू नॉट इंक्लूड आर, तो अर्निंग बेस्ड कंपनी है उसके अंदर हम कौन से वैल्यूएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, क्योंकि एबीसी मेथड्स होता है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल फाइनेंस चार्ज अराइजिंग इन रिलेशन टू ए फाइनेंस लीज इज इक्वल टू, तो द टोटल फाइनेंस चार्ज जो अराइज किया जाता है फाइनेंशियल लीज का वो किसके इक्वल आपका होता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ओवर द इनिशियल लाइबिलिटी टू द लीज लेसर, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है मिनिमम का और जो इनिशियल का जो भी ओवर होगा वही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल फाइनेंस चार्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स हेवन, तो कौन सा एक टैक्स हेवन नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अज्यूम दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटलाइज सोसाइटी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो मार्क्सवादी जो अप्रोच होती है वो हमारी इसके अंदर, उसके क्या माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैपिटलाइज सोसाइटी की समझ की आवश्यकता है, यानी कि रिलेशंस के लिए क्या है, रिक्वायर है, ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है हमारी मार्क अप्रोच में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, डैश रेफर टू प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्टिंग जॉब सीकर सो एज टू बिल्ड ए पुल ऑफ क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है अट्रैक्टिंग जॉब सीकर टू बिल्ड ए पुल क्वालिफाइड ऑफ जॉब एप्लीकेंट। क्योंकि
इसी के अंदर हम ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब सीकर है, वो जो जॉब क्वालिफाइड है, उन सभी को इकट्ठा करने का काम जो करती है वो रिक्रूटमेंट ही करती है आपकी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्म निकल जाते हैं, फॉर्म निकलने का और क्वालिफिकेशंस उसमें मेंशन होती है, तो उनका मकसद क्या होता है, इन क्वालिफिकेशंस वालों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए, जिसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कर सके, चूज कर सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, मास प्रोडक्शन इज चार्ज बाय, तो मास प्रोडक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय, सॉरी, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई वॉल्यूम लो वैरायटी। क्योंकि अगर मास प्रोडक्शन हम यूज करें किसी चीज़ का, तो क्वांटिटी क्या होगी, हाई होगी, बट जो वैरायटी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी लो हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर फाइव फोर्सेज। देखो मैंने ये पोर्टर फाइव फोर्सेज का ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से करवा रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ हम आंसर कर लेते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ इम्प्लॉयज, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, रिस्क ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट बार्गेनिंग पावर ऑफ इम्प्लॉयज को इसका फोर्स नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग क्या होती है? तो मास मार्केटिंग ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि मास में क्या किया जाता है, सभी कंज्यूमर्स को सेम प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मार्केटिंग के और HRM के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। क्या होता है, पेपर का जो लेवल है वो पहले जैसा नहीं रहा, कि जो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इन 35 क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई सजेशन है ताकि हम और अच्छे से बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकें, तो भी आप सजेशन ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशन और कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर, मोटिवेशन के बगैर वीडियोज इतनी बेटर वे में नहीं हो पाएंगी। सो थैंक यू अगेन, एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।